हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन। और इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज द प्रेस द बेल बटन ताकि सारे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, होता क्या, देन वी विल डिस्कस विद द एग्जांपल। एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल को मैंने गेट का ही क्वेश्चन लिया हुआ है, तो इस गेट के क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले लेट्स से हमारे पास डेटाबेस में क्या दिया गया होगा, रिलेशन जो टेबल दिया गया होगा, उस टेबल के अंदर मल्टीपल हमारे पास एट्रीब्यूट होंगे, लाइक ए बी सी डी कुछ भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, स्टूडेंट नेम, आईडी, रोल नंबर, और हमारे पास क्या दिया होता है, फंक्शनल डिपेंडेंसी दी गई होती है, लाइक ए गोज टू बी एंड बी गोज टू सी, इस तरीके से कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी दी गई होती है। हम क्या करते हैं, हम क्लोजर फाइंड करते हैं, और क्लोजर फाइंड आउट करके हम क्या करते हैं, कैंडिडेट की भी फाइंड आउट करते हैं, और जो हिडन डिपेंडेंसी है वो भी हम फाइंड आउट करते हैं। हिडन कैसे, जैसे ए गोज टू बी डायरेक्ट दिया, बी गोज टू सी डायरेक्ट दिया, लेकिन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम ए गोज टू सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए के क्लोजर से बी और सी दोनों आ जाएगा, तो आप कह सकते हो ए सी को भी डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, जो भी हिडन होती है, जो भी ट्रांजिटिवली प्रेजेंट है, वो भी हम कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम यूज करते हैं डीकम्पोजिशन। जब भी टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम उसको डीकम्पोज कर देते हैं, मतलब डीकम्पोज मीन मल्टीपल पार्ट में तोड़ देते हैं। लेट्स से मैंने आर टेबल को दो पार्ट में तोड़ा, आर वन और आर टू में, और आर वन तो आर तो है ही कहीं ना कहीं पे, लेकिन आर वन और आर टू दो टेबल बन गए, कुछ एट्रीब्यूट आर वन में आ गए और कुछ एट्रीब्यूट आर टू में आ गए। और अब यहाँ पे आर वन और आर टू के एट्रीब्यूट को अगर आप टोटल करो, उनको आप अगर यूनियन करो, इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन आर, तो कोई भी एट्रीब्यूट कम नहीं होना चाहिए, एट्रीब्यूट आपके एज इट इज होने चाहिए। तो अब होता क्या है कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी वो भी क्या है, डिवाइड हो जाएगी। जैसे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ डी वन सेट इसमें आ जाएगा और कुछ एफ डी सेट टू इसमें आ जाएगा, मतलब कि कुछ डिपेंडेंसी इसमें आएगी और कुछ डिपेंडेंसी मेरी इसमें आएगी, और रीजनल जो थी डिपेंडेंसी वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगी। अब हमने करना क्या है कि अब हमने चेक करना है कि डिपेंडेंसी शुड बी प्रिजर्व, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई डिपेंडेंसी मेरी मतलब कि लॉस होगी, नहीं, वो मुझको प्रिजर्व करके रखनी है, ये मेरा एम है। लेकिन अगर आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें आपको कहीं ना कहीं चेक करनी है डिपेंडेंसी प्रिजर्व हुई है कि नहीं हुई है, तो कैसे चेक करती है, क्या होता है, वो इस वीडियो में हम इस एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का मतलब क्या है, अगर मैं एफडी वन को उठाऊं और एफडी टू को उठाऊं, मतलब जो मेरे आर वन के अंदर डिपेंडेंसी आई और मेरी जो आर टू के अंदर डिपेंडेंसी आई, अगर इनका मैं यूनियन लूंगा तो ये इक्विवेलेंट किसके आने चाहिए, ये मेरी इक्विवेलेंट आने चाहिए एफडी के, मतलब के इसकी एफडी वन का यूनियन मैं लूं एफडी टू के साथ, उसका अगर मैं यूनियन लूं तो वो मेरी फंक्शनल डिपेंडेंसी के बराबर आना चाहिए इन दोनों का यूनियन। तो कैसे आता है यूनियन, अगर आ गया तो डिपेंडेंसी प्रिजर्व है, अगर नहीं आया तो डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से डिस्कस करता हूँ कि कैसे चेक करना। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल है आर ए बी सी डी, चार उसके अंदर एट्रीब्यूट है, फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरे पास 1 2 3 मुझे मेरे पास गिवन है। अब हमने किया क्या कि आर को डीकम्पोज किया, आर वन आर टू और आर थ्री, तो आर वन टेबल को मैंने डीकम्पोज किया, ए और बी आ गया, आर टू मेरे के अंदर बी एंड सी आ गया, और आर थ्री के अंदर मेरे अंदर बी और डी आ गया। तो पहला पॉइंट क्या है, ये चेक कर लो कि अगर इन तीनों टेबल्स के एट्रीब्यूट को यूनियन लो तो ए बी सी डी मेरे पास इनका यूनियन आएगा, जो रिजल्ट टेबल था उसके अंदर चार एट्रीब्यूट है, तो अगर आप इनका यूनियन करोगे तो इधर चार एट्रीब्यूट आएगा। तो मैंने ये तीन टेबल में डीकम्पोज कर लिया, आर वन आर टू और आर थ्री, तो ऐसा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर आपने कोई भी एट्रीब्यूट छोड़ दिया। अब ये कह रहा है आर वन आर टू और आर थ्री को जब हमने डिवाइड किया तो चेक करो कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व हुई है कि नहीं हुई है। अब कैसे चेक करना है, अब पहले आप R1 के अंदर देखो कि R1 के अंदर कितने एट्रीब्यूट है, दो है, A और B, सिर्फ R1 के ऊपर आप फोकस करो कि R1 के अंदर दो एट्रीब्यूट है A और B, तो कौन कौन से डिपेंडेंसी बन सकती है, एक डिपेंडेंसी बन सकती है A, A को डिटरमाइन कर रहा है,
रीजनल को छोड़ दो, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप इस टेबल पे फोकस करो कि ए और बी अगर दो एट्रीब्यूट है तो कौन कौन सी डिपेंडेंसी बन सकती है। ए को डिटरमाइन कर रहा है, बी बी को डिटरमाइन कर रहा है, ए बी को डिटरमाइन कर रहा है और बी ए को डिटरमाइन कर रहा है। इस तरीके से कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी हम बना सकते हैं। लेकिन पहला पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि ट्रीवियल डिपेंडेंसी नहीं लेनी है। ट्रीवियल का मतलब क्या है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन लोगे तो उनके बीच में कोई भी कॉमन आ रहा है, जैसे ए और ए कॉमन आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, या ऐसे भी कह सकते हो कि ए बी ए को डिटरमाइन कर रही है, ये भी आप कह सकते हो कि ट्रीवियल है। लेफ्ट और राइट साइड पे अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे इट शुड नॉट बी इक्वल टू फाइव, तो ए बी का और ए का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो फाइव का इक्वल नहीं आएगा, ए आएगा। ऐसे ए गोज टू ए का इंटरसेक्शन लोगे तो ए आएगा, और तो हमने ट्रीवियल नहीं लेनी। तो ट्रीवियल बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होती है, मतलब ट्रीवियल बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होती है सेल्फ लूप की तरह। तो ए को डिटरमाइन कर रहा, हाँ तो मैं खुद को तो डिटरमाइन करूंगा ही करूंगा, कोई भी एट्रीब्यूट अपने आप को डिटरमाइन करेगा ही करेगा, तो हमने ट्रीवियल को नहीं लेना। तो हम इस ट्रीवियल को कैंसिल आउट कर देंगे, इस ए को कैंसिल आउट कर देंगे, सिर्फ नॉन ट्रीवियल बनेंगे। तो नॉन ट्रीवियल कौन कौन सी बनेंगी, ए गोज टू बी और बी गोज टू ए। सिर्फ इस आर वन टेबल की बात करें तो दो ट्रीवियल नॉन ट्रीवियल बनेंगी, ए गोज टू बी और बी गोज टू ए। अब आपको चेक करना ए गोज टू बी ट्रू है कि नहीं, मतलब कि क्या ये हो सकती है कि नहीं हो सकती, पॉसिबल। कैसे चेक करोगे, ओरिजिनल टेबल में आ जाओ, ओरिजिनल टेबल को तो हमने डिवाइड किया ना ए बी में, तो ओरिजिनल टेबल में देखो कि ए के क्लोजर के बी आ रहा है, देखो ए क्लोजर में बी आएगा या आएगा ऑलरेडी है, तो ये आप कह सकते हो कि ये पॉसिबल है, मतलब ए गोज टू बी इसके अंदर पॉसिबल है। तो बी गोज टू ए आप चेक करो मेन टेबल में, ये आप इसमें बी का क्लोजर लो, तो अब मैं बी का क्लोजर लूंगा तो आप चेक कर लो कि बी के क्लोजर में क्या आएगा, बी के क्लोजर में क्या आ रहा है, बी के क्लोजर में हमारे पास क्या आएगा, बी से सी आ रहा है, सी से डी आ रहा है और डी से बी आ रहा है, मतलब बी के क्लोजर में हमारे पास ए नहीं आएगा, मतलब ये वाली पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये वाले हमारे पास पॉसिबल है, ए गोज टू बी इस टेबल में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे अब हम इसके आते, क्योंकि ये देखो ना मैंने इधर बी का क्लोजर लिया तो बी के क्लोजर में मेरे पास ए नहीं आया, तो मतलब कि ये वाला इसके अंदर नहीं है। तो ट्रिवियल हमेशा ट्रू होती है, चेक करने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा वैलिड होती है। तो इधर आ जाओ आप, बी गोज टू सी और सी गोज टू बी दो बनेगी, तो B goes to C और C goes to B। अब आप चेक करो B goes to C रिजल्ट में है कि नहीं, यस B goes to C इस टेबल में है, तो यानी ये वाली इस टेबल में है, यानी ये वाली इस टेबल में है। तो अब C goes to B चेक करो, तो रिजल्ट में अब C का क्लोजर लेंगे तो C का क्लोजर से मेरे पास क्या आएगा, C से मेरे पास C आएगा, C से B आएगा और B से D आएगा, मतलब C के क्लोजर से C आएगा और C के क्लोजर से D आएगा, D क्लोजर से B आएगा, मतलब के ये भी मेरे पास बन सकती है और ये भी बन सकते हैं, तो ये दोनों पॉसिबल। देन आर थ्री पे आते हैं, आर थ्री में नॉन ट्रिवियल लिख लो, बी गोज टू डी और डी गोज टू बी। अब हम चेक करते हैं बी गोज टू डी रीजनल में है कि नहीं है, बी गोज टू डी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप अगर आप बी का क्लोजर लेते हैं तो बी के क्लोजर में बी आएगा, बी के क्लोजर से सी आ जाएगा और सी के सी से हमने डी को डिटरमाइन कर लिया, और यानी बी को डिटरमाइन डी से बी को डिटरमाइन कर रहा है, तो यानी ये वाली भी पॉसिबल है। देन डी गोज टू बी, जिस तरह मैंने ये क्लोजर लिया इस तरह आप ये वाला क्लोजर लेके चेक कर लीजिएगा, ये आएगा तो डी गोज टू बी, तो डी गोज टू बी ये डायरेक्ट लिखे, यानी ये भी पॉसिबल है, मतलब जो डायरेक्ट नहीं लिखी हुई उसका क्लोजर ले लो, आपको पता लग जाएगा क्या उसके अंदर वो वाला एट्रीब्यूट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे डायरेक्ट है तो फिर आप डायरेक्ट लिख लो, जैसे बी के क्लोजर में नहीं आ रहा ये वाला, यानी ये पॉसिबल नहीं है, रेस्ट ऑफ ऑल आर पॉसिबल। अब मेरे पास ये तीनों मैंने डीकम्पोज किया था, इसके अंदर मुझे कौन कौन से पॉसिबल है, एक तो ये वाला पॉसिबल है, दो ये पॉसिबल है और दो ये पॉसिबल है, तो इनका यूनियन हम लिख लेते हैं, तो इनको हम डीकम्पोज करके लिख लेते हैं, मतलब के तीन टेबल में हम तीनों में अगर यूनियन ले लेते हैं, ए गोज टू बी लिख लूंगा मैं, बी गोज टू सी लिख लूंगा और सी गोज टू बी लिख लूंगा, और मैं बी गोज टू डी लिख लूंगा और डी गोज टू बी लिख लूंगा, ये सब का मैंने यूनियन लिख लिया, तो डी गोज टू बी मेरे पास नेक्स्ट आ गया, तो डेट इज डी गोज टू बी, ये मेरे पास सारा क्या आ गया, यूनियन आ गया इन सारी पांचों का। अब चेक करना है कि अब आपको चेक करना है कि क्या ये वाली सारी पॉसिबल है इनके थ्रू। पहले हम चेक कर रहे थे ये वाली क्या सारी पॉसिबल इनमें है, अब हम उल्टा चेक कर रहे हैं कि आ मेरी ये वाली सारी पॉसिबल इसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है इसके थ्रू, मतलब क्लोजर इसमें लेंगे लेकिन चेक करेंगे इसमें, ए गोज टू बी इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो चेक करो ए गोज टू बी इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। बी गोज टू सी चेक करो इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस बी गोज टू सी आ रहा है।
सी गोज टू डी चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे सी गोज टू नहीं, सी गोज टू डी नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पे ओरिजिनल में है। तो हम क्या करेंगे, सी का फिर क्लोजर लेंगे, किसको देख के, इसको देख के, पहले हमने इसको देख के इसका क्लोजर लिया था, अब हम इसको देख के अब हम इसका क्लोजर लेंगे। तो सी के क्लोजर में मेरे पास सी आ जाएगा और सी के क्लोजर से मेरे पास बी आ जाएगा और बी के क्लोजर डी से मेरे पास डी आ जाएगा। तो सी का क्लोजर हम इसको मतलब कि इसको इसको देख के हमने क्लोजर लेना है, सॉरी। तो मतलब मेरी ये भी प्रिजर्व है, ये भी प्रिजर्व है और ये भी प्रिजर्व है। आप देखो कि मेरे पास D goes to B है कि नहीं, तो D goes to B भी मेरे पास preserved है, मतलब कि चारों dependency मेरे पास preserved है। अगर आप R टेबल को अगर आप तीन पार्ट में डिवाइड करते हो, उनमें आप एट्रीब्यूट रखते हो A, B, B, C एंड B, D, तो डिपेंडेंसी विल बी प्रिजर्व्ड, यस डिपेंडेंसी विल बी प्रिजर्व्ड ऑलवेज। तो ये है मेरे पास डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन। हम कैसे चेक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन चेक करेंगे जिससे आपको और आइडिया क्लियर होगा कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन कैसे चेक करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।